मंच पर आसीन पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, अन्य संतजन उपस्थित, बहुत ही सम्मान के योग भाइयों बहनों, आज के इस बहुत ही जो पवित्र इस कार्यक्रम को मैं कहना चाहूँगा और बहुत ही एक इस प्रकार का कार्यक्रम जो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जिस प्रकार की घोषणा अभी मंच से हुई है, श्रद्धे स्वामी जी ने जैसे बताया कि यहाँ पर गीता जयंती पार्क बनेगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो एक संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, वो एक स्टैचू भी यहाँ पर लगेगा। इसलिए आज ये दिन हम सब के लिए और खास करके जो लोग उस भारत भूमि से आए हैं, उस पुण्य भूमि से आए हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र में गीता का संदेश दिया था, तो आज का ये कार्यक्रम हम सब के लिए अविस्मरणीय कार्यक्रम रहेगा। और आज इस प्रकार से हम इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का आयोजन करती आ रही है और आज उसी कड़ी में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इन सभी कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ कनाडा के अंदर इस भवन में आयोजित किया जा रहा है और इसमें जियो गीता कनाडा और अन्य जितने भी संगठन हैं उनका मैं आभार प्रकट भी करना चाहूँगा कि जिन्होंने कल ओटावा के संसद में भी इसी प्रकार का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जिस युद्ध की बात की है, वह दैवीय और आसुरी शक्तियों के संघर्ष का युद्ध है। यह हमारे अंतकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, इस बात की ओर इशारा करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में जिस प्रकार से श्लोक में वर्णन किया गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव माम का पांडवाश्च किं कुर्वत संजय, इस श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र अज्ञान और संजय संयम के प्रतीक हैं। अज्ञान मन के अंदर रहता है, अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है, समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, अर्थात विकारों पर ही रहती है। गीता में उल्लेख है कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र नित्य विधीयते, अर्जुन यह शरीर ही क्षेत्र है और इसको तो जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने इस क्षेत्र का विस्तार बताया जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। ये बहुत विस्तार से इस सब बातें गीता के अंदर हम सब लोगों को पढ़ने सुनने को मिलती है और इसमें लड़ने वाली जो दो प्रवृत्तियों की चर्चा की है, दैवीय और संपत्त, आसुरी संपत्त, पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां, इस प्रकार से हर चीज का इतना विस्तृत वर्णन गीता के अंदर किया गया है कि हम अगर पूरे मन से गीता को पढ़ करके
इसके ऊपर विचार करें तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है, जीवन जीने की धारा ही बदल जाती है। क्योंकि गीता में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर एक धर्म है कि गीता कोई इस प्रकार की पुस्तक होगी जिसमें कहीं कोई कर्मकांड की इस प्रकार की चर्चा होती है, इस प्रकार का उसमें ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यहाँ मन से बड़े विद्वान लोग हमारे सामने इस बात को रखेंगे कि किस प्रकार से गीता जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को जो यहाँ सुनने को मिलेगा, स्वयं गीता मनीषी हमारे बीच में उपस्थित है और लंबे समय से आप केवल हरियाणा और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोगों के जीवन की धारा बदलने के दिशा बदलने के काम में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया है इसके माध्यम से एक संदेश जो हम सब लोगों को आप देकर के जाएंगे उसके माध्यम से निश्चित ही हम अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब होंगे। आखिर में एक बात कहकर के अपनी बात को मैं समाप्त करूँगा कि हम धरा के उस केंद्र से आते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने की कला गीता का वाणी रूप में उपदेश दिया। हमारा सौभाग्य है कि गीता मनीषी सदैव ज्ञानानंद जी हमारे मध्य है जिन्होंने गीता का सार और प्रसार कर जन जन के मन में आत्म कल्याण का दीपक जलाया। गीता विश्व का एकमात्र जीवित सनातन ग्रंथ है जो सर्वकाल सर्वमंगल और सर्व कल्याण के लिए भगवान के मुख से की गई। मैं यहाँ पर आप सब लोगों के जो दर्शन करने का मुझे अवसर उपलब्ध करवाया सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार। और एक बार जोर से एक हम जय घोष करेंगे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।